भारत में सोशल मीडिया पर अज्ञात लोग ट्रेंड होने लगा। अननोन मैन ट्रेंड हुआ तो सभी का ध्यान सिर्फ वही था। अननोन मैन ट्रेंड होने की वजह थी मसूद अजहर। जी हाँ, मसूद अजहर की वजह से ही अननोन मैन ट्रेंड हुआ था। यह अननोन मैन कौन है? क्या मसूद अजहर मारा गया? मसूद अजहर मारा गया तो पूरा सच सामने क्यों नहीं आया? मसूद अजहर आतंकी के मारे जाने की पुष्टि किस समाचार एजेंसी ने की है? और इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसूद अजहर भारत का कितना बड़ा शत्रु और एक आतंकी था। दरअसल मीडिया पोस्ट और स्पेशली एक्स पर दावा किया गया किसी अनजान आदमी ने मसूद अजहर को निपटा दिया, ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में पाकिस्तान में कई आतंकी मारे गए हैं। दिसंबर 1999 की बात है जब भारत के विमान को हाईचेक कर कंगार ले जाया गया और भारत से शर्त रखी गई कि यात्रियों के बदले भारत आतंकियों को रिहा करे। उस दौरान यात्रियों के बदले जिन तीन आतंकियों को छोड़ा गया था उनमें से एक मसूद अजहर था। इसलिए जब उसकी मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो लोगों ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया यूजर्स अनजान अज्ञात आदमी को धन्यवाद देने लगे कि भाई तेरा धन्यवाद जो तूने खूंखार आतंकी मसूद अजहर को मार दिया। खूंखार इसलिए क्योंकि इस आतंकी कनेक्शन और रीच का अंदाजा आप दिसंबर 1999 की विमान हाईचेक से लगा सकते हो। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि किसी अज्ञात आदमी ने एक बम ब्लास्ट को अंजाम दिया जिसकी वजह से मसूद अजहर की मौत हो गई। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि सोमवार 1 जनवरी 2024 को सुबह सुबह करीब 5 बजे एक बम ब्लास्ट हुआ और उसमें मसूद अजहर मारा गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी बताया गया कि मसूद अजहर उस समय बवालोपुर मस्जिद में जा रहा था तभी ये अटैक हुआ है। टाइम्स अल्जीरिया समाचार एजेंसी ने भी एक्स पर पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि सोमवार सुबह 5 बजे अज्ञात आदमी ने मसूद अजहर मोस्ट वांटेड मैन को बम से उड़ा दिया और उस पोस्ट में 2 से 3 फोटो भी शेयर कर रखी थी। इन तस्वीरों में कार के परखच्चे उड़े हुए हैं, एक बम ब्लास्ट है और उसके आसपास पुलिस भी दिखाई दे रही है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अगर ऐसा होता तो ये भारत के लिए शायद न्यू ईयर गिफ्ट हो सकता था। लेकिन अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना ना तो पाकिस्तान की तरफ से है और ना ही पाकिस्तानी मीडिया से। इस जानकारी को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां तक ये वीडियोज़ की बात है तो ये 100% वीडियोज पुरानी और एडिटेड हैं जिन्हें कुछ लोगों ने सर्कुलेट कर दिया और फिर ये वायरल होने लगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना गाइस।